नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद राहुल उपाध्याय में। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कुछ विभाज्य के नियम पर सवाल करे थे, जिसमें हमने दो या तीन सवाल करे थे, लेकिन मैं आपको आज क्या सभी जो जितनी भी संख्याओं से विभाज्य होने के नियम होते हैं मैं आपको आज ये बताऊँगा, ठीक है। उसमें हमने 3 का, 9 का और 11 का करा था, लेकिन हमने उसमें बता दिया था भाई 4 का नहीं, 5 का नहीं और 10 का नहीं था, 11 का नहीं था, ठीक है। आपको पिछली वीडियो मिल जाएंगे, वो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। मैं आज आपको विभाज्य के सारे नियम बताऊंगा। देखो भाई, देखो सबसे पहले 2 का, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो पूरी संख्या 2 से विभक्त होगी, ठीक है। पूरी संख्या 2 से विभक्त होगी। अब देखो इसका एग्जाम्पल समझेंगे हम। देखो मैं इसे रफ कर रहा हूँ जिससे यहाँ पे जगह मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। देखो एक बार और पढ़ लो, यदि संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो पूरी संख्या 2 से विभक्त होगी, ठीक है। देखो भाई कैसे है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8। अब देखो कैसे है, देखो जैसे मैंने लिख दिया 520, अब इसके पीछे 0 भी है तो क्या पता चली भाई हमें 2 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। ये जैसे दे दिया भाई 444 तो 2 से डिवाइड होगा, 226 2 से डिवाइड होगा। देखो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, आपको इतनी आसान संख्या नहीं आएगी कि भाई 222 बताओ या 444 बताओ या 226 बताओ। ये आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी किताब में से, ठीक है। बड़े बड़े सवाल आपको किताब में दिए हुए हैं, खूब नंबर सिस्टम के चैप्टर में दिए हुए हैं, वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। अब देखो 3 का, यदि किसी संख्या का योग 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी, ठीक है। संख्याओं का योग यदि 3 से विभक्त है तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। देखो इसे मैं रफ कर रहा हूँ भैया, देखो भाई जैसे 224, अब इसका अंकों का योग करेंगे हम पहले, 4, 2, 6, 2, 8, यानी इनका अंकों का योग 8 बैठ रहा भाई, 8 के डिवाइड होगा 3 से नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए कोई बड़ी संख्या देखते हैं भाई, मैंने लिख रखी है इसमें। देखो जैसे 1, 5, 7, 2, 2, 3, 4, अब हम संख्या को चेक करेंगे कि या 3 से विभक्त होगी या नहीं होगी। आपका जो पेपर में सवाल आएगा वो ऐसा ही आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले हम इनका अंकों का योग चेक करेंगे, 5 और 1 6, 6 7 13, 2 15, 2 17 और 3 20 और 4 24, 24 क्या 3 से डिवाइड होगा, होगा भाई 3 8 24, तो यूँ पूरी संख्या भी क्या होगी 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब 4 का देखते हैं भाई, आप इसे दो तीन बार देखेंगे वीडियो को और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई 4 का, यदि संख्या के पीछे के 2 अंक विभक्त हो तो पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी, लास्ट 2 डिजिट। देखो भाई जैसे 444 है, अब ये 4 से डिवाइड कर देंगे भाई हो जाएगा, ठीक है। 520 है, पीछे के 2 अंक चेक करेंगे भाई, 4 से हो जाएंगे भाई 20, 4 5 20, यानी पूरी संख्या क्या होगी वो 4 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट भाई 5 का, अब देखो 5 का, यदि इस किसी संख्या के पीछे के 0 या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभक्त होगी। पूरी संख्या 5 से होती यदि इसका इकाई का अंक 0 या 5 है, ठीक है। यो आपको देखना भाई, आपकी किताब में मिल जाएंगे सवाल। देखो मैं कोई हल्की सी संख्या लिख रहा हूँ छोटी छोटी, लेकिन आपके पेपर में नहीं आएंगे भाई, ध्यान रखना इनका। कभी आप सोचे ये ऐसे ऐसे आ जाएंगे आपके एग्जाम में। देखो 0 है इसके पीछे, इसके पीछे भी 0 है भाई, तो क्या होगा यू 5 से विभक्त होगी हमारी संख्या, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई 6 का, यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 6 से विभक्त होगी। देखो मतलब क्या, उसमें 2 का नियम भी लगना चाहिए। 2 का नियम क्या बताया मैंने अभी, यदि किसी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरी संख्या क्या होगी 2 से डिवाइड। 3 का क्या बताया,
यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। ठीक है, 6 का ये रूल है। 7 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, 8 का देखेंगे अब। यदि संख्या के पीछे के 3 अंक 8 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी। देखो भाई, इसमें देखते हैं कैसे कैसे एग्जाम्पल आते हैं आपके। देखो, जैसे आ गया 9 2 6 5 9 2 6 7 5 7 5 और 1 2। देखो अब हमें चेक करना है 8 से डिवाइड है। देखो भाई, यदि हम 8 से डिवाइड करने लगे, यहाँ से शुरू से हमने स्टार्ट कर दिया, तो इसमें बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये नियम इसीलिए होते हैं जिससे आपका समय बच जाए, नहीं तो 8 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे हम, लेकिन इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और आपको पता है टाइम की कीमत कितनी होती है भाई एग्जाम में। अब देखो, 8 से डिवाइड करना हमें, हमें कुछ नहीं करना, बस केवल लास्ट 3 डिजिट देखने हैं, वे 8 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। यदि वे 8 से डिवाइड होते हैं तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, और नहीं होंगे तो नहीं होगी भाई। ठीक है, अब देखो, 512 8 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 8 6 48 और 3 5 8 4 32, यानी कि पूरी संख्या क्या होगी भाई, 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा भाई 8 का नियम भी। अब देखेंगे 9 का। 3 का और 9 का सेम है। 3 का क्या, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। और 9 का भी सेम है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभक्त होगी भाई। देख लो आप, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। बिल्कुल जैसा 3 वाला है वैसे ही 9 वाला है, तो 3 और 9 को आसानी होगी आपको याद करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये इसका एग्जाम्पल भी देख लो भाई, 9 का भी 6 7 1 7 4 8 3। देखो हमें चेक करना भाई, ये 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, क्या करेंगे, इनके अंकों का योग करेंगे, वो चेक करेंगे, यदि योग डिवाइड है 9 से तो पूरी संख्या फिर 9 से डिवाइड हो जाएगी। देखो, 6 और 7 13 14 7 21 और 4 25 25 और 8 33 और 33 और 3 36, 36 9 से डिवाइड होगा भाई, 9 4 36, तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड। बाई चांस इनका योग 35 आ जाता या 37 आ जाता तो ये पूरी संख्या क्या होती फिर, 9 से डिवाइड नहीं होती। नेक्स्ट देखेंगे भाई 10 का। देखो 10 वाला सबसे आसान है भाई, यदि संख्या के पीछे 0 हो तो पूरी संख्या 10 से डिवाइड होगी। जैसे भाई 1000 हो गया, 420 हो गया, 820 हो गया, ऐसी ऐसी संख्या, मतलब जिसके पीछे भी 0 हो वह संख्या 10 से डिवाइड होगी। ठीक है, ये आसान है, सबसे आसान है भाई ये 10 का। अब देखो 11 का। 11 का सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। देखो, यदि सम विषम अंकों का योग बराबर या अंतर 11 का गुणज हो तो पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। यदि सम विषम अंकों का योग बराबर या अंतर 11 का गुणज हो तो पूरी संख्या 11 से विभक्त होगी। ठीक है, अब देखो भाई, इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। जैसे कि तुम्हारे सामने आ गया भाई 13 53। ठीक है, 1353। अब हमें चेक करना कि 11 से डिवाइड है या नहीं है। देखो, सम विषम अंकों का योग चेक करेंगे पहले हम, 5 और 1 6, 3 और 3 6, यानी इनका सम का 1 और 3, विषम का और सम का योग क्या आ गया, बराबर, तो पूरी संख्या क्या होगी भाई, 11 से डिवाइड होगी। अब देखो अंतर को भी समझो, 13, देखो इनका अंतर तो 0 ही आ जाएगा भाई, ये तो डिवाइड होगी। अब जैसे कुछ संख्या ले लो, देखो जैसे पहले पे ये तीसरे पे विषम पे, 6 1 7 7 2 9। अब इसे देखो, 3 2 5 और 1 6। अब इनका अंकों का योग बराबर नहीं आया भाई, तो इनका अंतर चेक करेंगे, 9 में से 6 गए भाई 3, यू 3 क्या 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा।
यदि इनका बाई चांस अंतर 33 आ जाता, 11 आ जाता, 22 आ जाता, 66 आ जाता, तो पूरी संख्या क्या होती? 11 से विभक्त। नियम दोबारा समझेंगे भाई, सम विषम अंकों का योग बराबर या अंतर 11 का गुणज होगा। ठीक है, अंतर 11 गुणज, तो पूरी संख्या क्या होगी भाई? 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे भाई ये सभी सवाल। अब देखो भाई, अब जैसे एक बड़ी संख्या आ जाती है, मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, जैसे आपके सामने आ गए भाई ये 2860 और आपसे कह दी भाई ये 45 से डिवाइड है। देखो आपको ऐसे आएंगे ऑप्शन मिलेंगे कई, वो कहेगा कि 99 से डिवाइड है या 45 से डिवाइड है। तो देखो भाई 45 का नियम तो हमने समझाया नहीं, देखो हम इस 45 को तोड़ेंगे भाई, 9 बन जाए 45। अब हमें इस संख्या में 9 का नियम भी लगा कर देखना और 5 का नियम भी लगा कर देखना। 5 का क्या बताया कि मैंने, जिस संख्या के पीछे 0 या 5 हो तो पूरी संख्या क्या होगी? 5 से डिवाइड। 9 का क्या बताया? यदि अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। देखो भाई 0 या 5, यानी 5 से तो ये डिवाइड होगी। अब देखो 9 का और देख लो, अंकों का योग चेक कर लो, 8 दो 10 और 6 16, 2 18, यानी पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो गई। यानी जब बड़ी संख्या आ जाए जैसे 99 आ जाए, ठीक है, तो 11 निम 99, इसका क्या नियम लगेगा भाई? 11 का नियम लगा के देखना, इसमें आपको 9 का नियम भी लगा के देखना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी आपको भाई ट्रिकी मैथ की वीडियो पड़ी हुई है हमारी प्लेलिस्ट में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी मैंने ट्रिक बनाई हुई है, तो आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नया है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।